ये है गोपाल फौड़। कहानी डाकू की। महाराज, आप जिस सिंहासन पे बैठे हैं, कल एक वर्ष पूर्ण होगा। हाँ हाँ, तो कहाँ है वो बहुमूल्य कंठमाला? अभी तक मेरे पास नहीं आया। आप सोनार के पास बनाने के लिए दिए थे ना? हाँ हाँ, दिया था, वह अभी आ जाएगा। हाय हाय महाराज, मेरा सर्वनाश हो गया। अरे अरे, रुको रुको रुको, आप वही मुर्शिदाबाद के स्वर्ण व्यवसायी है ना? अजी हाँ महाराज। लेकिन आपका क्या सर्वनाश हुआ? रानी का जो हार बनाने के लिए दिया गया था कहाँ है? सर्वनाश हो गया महाराज, वह हार डकैत लूट लिए महाराज। मुझे कुछ नहीं सुनना महाराज, मुझे वही हार चाहिए। नदिया राज्य में डकैती, यह तो अच्छी खबर नहीं है सुनार जी। अगर उस डाकू को आप देखोगे तो पहचान पाओगे? तो अवश्य पहचानूंगा। उसके सिर पर बाबरी केस है, छोटा छोटा काटा गया था, दाढ़ी और मूछ बिल्कुल नहीं थी, गाल पर एक बड़ी तिल है उस गाल पर। और क्या विशेषता है? वही जो बोला था ना, बाएं गाल पर एक बड़ी तिल है। अब देखिए तो। हाँ हाँ, इस बार एकदम ठीक हुआ है महाराज। अब आप इस तस्वीर को बाजार में लगवा दीजिए। चित्र कर कुछ ऐसे ही और तस्वीरें मुझे बना कर दो महाराज। इस तस्वीरों को हर गली हर रास्ते में लगवा दीजिए। इससे क्या होगा? ऐसे सभी लोग डाकू को पहचान जाएंगे और डाकू जल्द पकड़ा जाएगा। हाँ महाराज, गोपाल तो ठीक ही बोल रहा है। अरे यह क्या, चारों ओर तो मेरी ही तस्वीर लगी हुई है। लगता है चारों ओर हवा गर्म है, कोई न कोई व्यवस्था जरूर करनी होगी। क्या व्यवस्था करूं? हाँ, याद आया, बम काली। बम काली। सन्यासी महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव। किंत पुत्र, एक सामान्य हार के लिए इतनी बड़ी चिंता क्यों है? चिंता मत करो, निश्चित समय पर वह हार तुम्हें मिलेगा। सन्यासी महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे भाई, वह तो उनके योग साधना का बल है। नहीं नहीं, यह योग साधना की बात नहीं, मैं असल में महाकाली का नाम जप रहा था। माता ने ही सब बात मुझे बताई है, और ये भी बोली, कैसे वह हार आप वापस पाएंगे? कैसे वापस पाऊंगा? आप इधर आए। आइए राजा, यह बात मैं आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तब चलिए। अरे गोपाल, सन्यासी राजा महाराज को क्या कह रहा है? तुम लोग तो देख ही रहे हो, अब चुप हो जाओ। देखो महाराज आ रहे हैं। महामंत्री हबूचंद्र, रानी का हार प्राप्त करने के लिए सन्यासी विराट यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, और जितने दिन तक यज्ञ की पूर्णावति होगी उतने दिन तक यह सन्यासी राजमहल के कक्ष में रहेंगे। आप ध्यान देंगे इनको कोई असुविधा न हो। जो आज्ञा महाराज। आइए सन्यासी महाराज, आइए। अरे सन्यासी महाराज प्रणाम। उसके बाद रात में सोते समय कोई असुविधा तो नहीं हुई? अरे नहीं महाराज। प्रणाम महाराज। यही तो, तुम ठीक समय से आए हो। यही वे सन्यासी? सन्यासी महाराज, यह लड़का मेरे राज्य का विख्यात चित्रकार, कला शिल्प की उन्नति के लिए आपसे आशीर्वाद देने आया है। क्या हुआ, मुझे देखकर इस तरह आश्चर्यचकित क्यों हो गए? असल में मैं आपके चेहरे पर एक अद्भुत लक्षण देख रहा हूँ। ये सब तो माँ की लीला है। बम काली, बम काली, बम काली। होगा, तेरा जरूर होगा। तुम चित्रकार बनकर पूरे भारत में एक दिन नाम करोगे। तब महाराज, अब मैं चलूं? प्रणाम सन्यासी महाराज। क्या हुआ?
बोल रहे हो तुम? यह देखिए उस चोर की तस्वीर, एक बार देखिए तो। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। ढोंगी साधु सो रहा है और यही मौका है सबक सिखाने का। मंत्री जी लाल मिर्च दीजिए तो। ये लो। लाल मिर्च तो मैं जला दिया हूँ और अब मैं इसे कमरे के अंदर रख देता हूँ। अब देखो खेल कैसे शुरू होता है, अब मजा आएगा। ढोंगी साधु। हाँ। महाराज को? महाराज को बुलाने गया है, अभी आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, आग जल रही है, जल गई। आग लग गई है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, आग लग गई है। अरे बाप रे, अरे बाप। अरे यह क्या सन्यासी महाराज की यह दशा किसने की? ये कोई सन्यासी नहीं है महाराज, ये वही डाकू है। तो फिर रानी का हार कहाँ है? हाँ यह लीजिए महाराज। महाराज दया कर मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मैं शपथ खाता हूँ महाराज, भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन गोपाल मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, वह डकैत राजमहल में कैसे आया? उसे क्या प्राण का भय नहीं था? डर था महाराज, इसीलिए वह अपना प्राण बचाने के लिए राजमहल में आया था। सिपाही डाकू को राज्य के सभी जगहों में ढूंढेंगे लेकिन राजमहल में नहीं। छोड़ो, तुम्हारी बुद्धि के चलते डकैत पकड़ा गया, यह लो अपना पुरस्कार। मेरे बुद्धि से बड़ा था चित्रकार, इसलिए यह उपहार मुझे नहीं चित्रकार को ही मिलना चाहिए। यह लीजिए चित्रकार अपना उपहार, समझे? कौन किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा? बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की सौगात लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य, ऐसा चरित्र। कानों से सुनो जरा, छुप छुप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़।